और ये वो कुआ है जिसकी आकृति मैंने आपको दिखाई बाहर, जो ज्योतिबा फूले ने बनाई थी उस समाज के लिए जिसको पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रा सोचकर देखिए कि पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। पानी के बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आपको जब पानी पीने से भी रोक दिया जाए उस स्थिति में आप क्या करेंगे। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और मेरे पीछे ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इससे लगभग समूचा भारत चिर परिचित है। ये वो दंपति है जिन्होंने महिला शिक्षा से लेकर और उस समाज में फैले, उनके दौर में फैले समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थीं उन सभी को एक एक करके खुलेआम चुनौती दी। ये है महात्मा ज्योतिबा फूले और ये उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। और इस वक्त हम खड़े हैं फूलेवाड़ा में, यानी कि महात्मा फूले के घर में, जहाँ वो उस वक्त रहा करते थे और जहाँ से उन्होंने समाज को वो चुनौतियाँ दी और उन्हें आईना दिखाने का काम किया, और उसके साथ ही महिला शिक्षा को लेकर एक क्रांति समाज में जागृत की। तो चलिए एक एक करके आपको इस पूरे वाड़े के दर्शन कराते हैं, जो आज के समय में किसी मंदिर से कम नहीं है लोगों के लिए और ख़ास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं वो ये चीज़ बखूबी जानती हैं कि आज वो अगर शिक्षित हैं, आज वो अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का। शायद यही कारण था कि बाबा साहेब भी उन्हें अपने गुरु मानते थे। और यहाँ से हम शुरू करते हैं उनकी पूरी जीवन यात्रा। इसका नाम देखिए समता भूमि, क्योंकि यहाँ उनके लिए सब एक समान थे। उन्होंने जितना काम दलित वंचित समाज के लिए किया, उतना ही काम उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की स्त्रियों के लिए भी किया, क्योंकि स्त्रियाँ भी उस वक्त दलित वंचित समुदाय में ही शुमार की जाती थी। और यहाँ से शुरू होती है जो जर्नी है, जो जीवन यात्रा है इस दंपति की, उनकी। तो सबसे पहले, जैसा कि कहा जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले का मानना था कि अगर शिक्षा की शुरुआत करनी है, अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे समाज को शिक्षित करती है। और इसी सोच के साथ सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने शिक्षित किया अपनी पत्नी को, यानी सावित्रीबाई फूले को। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए सावित्रीबाई फूले जब शिक्षित हो गई, उन्हें बेसिक चीज़ें आ गई, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ना उन्हें आ गया, तब उन्होंने शुरुआत की पहले स्कूल की। देश में पहला स्कूल जो महिलाओं के लिए खोला गया, और उसकी शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, जो उनकी मदद करती थी उन्हें पढ़ाने बच्चों को। तो यहाँ से उन्होंने इन बच्चियों को पढ़ाने की शुरुआत की। उसके पीछे की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से जब सावित्रीबाई फूले विद्यालय, घर से विद्यालय तक का सफ़र तय करती थी, तो उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार किए जाते थे, उन पर कीचड़ उछाले जाते थे, उनकी साड़ी ख़राब कर दी जाती थी, जिससे कि वो पढ़ा ना सके बच्चों को। लेकिन फिर भी इतनी कठिनाइयों के बाद भी माता सावित्रीबाई ने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये पुनर्विवाह की है। ज़रा सोच के देखिए, एक ऐसे समाज की कल्पना करिए जहाँ स्त्रियों को घर से निकलना भी अपराध है। स्त्रियाँ अगर विधवा हो जाएं तो उन्हें सादे कपड़ों में घर के कोने में पटक दिया जाता है। और उस समाज के बिल्कुल विपरीत जाकर पुनर्विवाह की कल्पना, आप ज़रा सोच कर देखिए कि उस दौर में कितना कठिन रहा होगा ये कर पाना, और उसको अंजाम दिया इस दंपति ने। और उन्होंने पुनर्विवाह जैसी प्रथा को, पुनर्विवाह को शुरू किया, विधवा विवाह जैसी प्रथा उन्होंने शुरू की। ये पूरा जो स्ट्रगल है ये आपने देखा। आगे चलते हैं, और मेरे पीछे अब ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये जो जाति प्रथा है, जो छुआछूत, जो ऊंच नीच की जो प्रथा समाज में लगातार अभी भी हमें देखने को मिलती है, हाल ही में इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं। लेकिन उस दौर में जब ये प्रथा अपने चरम पर थी और इसका दंश जो वो ऊंच नीच की जो पार्टी थी उसके सबसे नीचे के तबके झेल रहे थे, उस वक्त जब एक कुएं में, तालाब में जानवर भी पानी पी सकते थे, वहाँ छोटी जाति के लोग जिन्हें अछूत कहा जाता था वो पानी नहीं पी सकते थे। ऐसे में ज्योतिबा फूले ने अपने घर के आंगन में कुआं खोदा और उन सभी को, सिर्फ उन सभी को नहीं, किसी को भी, कोई भी वहाँ आ सकता था, पानी ले सकता था, ख़ास तौर से वो सभी लोग। और ये
कुआं जो है वो अंदर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये समाज है सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। और सत्य शोधक समाज का सीधा सीधा आप इनके नाम से अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें वहाँ ये दिखाना था कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसके पीछे का सत्य क्या है। आखिर किस आधार पर आपने ये तबके बांटे हैं, किस आधार पर आपने ये कह दिया कि एक व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण है उसे सारे अधिकार मिलेंगे और दूसरा जो आपके हिसाब से नीची जाति में पैदा हुआ है वो अछूत माना जाएगा। तो सत्य को आधार बनाकर उसका शोध करना, उसके पीछे क्या इतिहास है उसको खोजना जानना, इसी आधार पर उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और ये जो यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं आकृति, ये उस वक्त की है जब एक दुष्काल पड़ा, अकाल पड़ा, और अकाल में बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो गए। कुपोषण के कारण कई बच्चों की जान गई, कई बच्चे उसकी चपेट में आए। तब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में, अपने इसी घर में उन बच्चों के लिए एक आश्रय दिया, उन बच्चों की सुरक्षा की, उनका पालन पोषण किया और उन्हें, उनके जैसे लाखों बच्चों को यहाँ पर आश्रय दिया और उनकी जान बचाई। और अब ये फूलेवाड़ा है, महात्मा फूलेवाड़ा। वाड़ा का मतलब निवास स्थान कहा जाता है मराठी में। तो ये आपको अब दिखाते हैं सर। और ये हमारे साथ हमारी व्यूअर हैं। आपका नाम? शांता शिंदे। शांता शिंदे जी, तो ये हमें रोज देखती हैं और सब देखते हैं, सब देखती हैं। ये भी आज यहाँ आई हैं। काकी कल्याण माजी काकी है, हमारे सर वर्ग शिक्षक है, क्लास टीचर। अच्छा, आप शिक्षक हैं? मैं तो कई बार स्क्रीनशॉट लेके रखता हूं। स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं अपने जो अपने ये होड़ी नाव चला रही थी ना, उस टाइम का स्क्रीन शॉट। बहुत शुक्रिया। तो ये खुद भी शिक्षक हैं आप? अब रिटायर हो गए। आठवीं क्लास में था ना, तभी मेरे को शिक्षक, अभी तक हम लोग कांटेक्ट है। अच्छा, ये आपके स्टूडेंट है? घूमता इधर आता है। तो एक शिक्षक जो है वो हमारे समाज के शिक्षक के आज वाड़े में आए हैं, उनको धन्यवाद देने, और साथ में उनके विद्यार्थी उनके साथ हैं। इनको भी हम धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ये है महात्मा फूले का घर, जहाँ आपको पहले तो अपने चप्पल उतार कर आने होंगे, क्योंकि ये किसी पवित्र स्थान से, किसी मंदिर से कम नहीं है अपने आप में। हो गया? और ये वो कुआं है जिसकी आकृति मैंने आपको दिखाई बाहर, जो ज्योतिबा फूले ने बनाई थी उस समाज के लिए जिसको पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रा सोच कर देखिए कि पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। पानी के बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आपको जब पानी पीने से भी रोक दिया जाए उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो उस समाज में जब ऐसी स्थितियाँ थी, उस दौर में ज्योतिबा फूले जैसे महात्मा भी थे और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भी, जो हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही और चलती रही। तो ये आंगन है जिस आंगन में कभी जो सावित्रीबाई फुले थी वो रहा करती थी। अब ये उनका घर, जिसके अंदर अब उसको एक तरीके से म्यूजियम की तरह बना दिया गया है, जहाँ उनकी तस्वीरें आपको बताने के लिए कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ वो आपको, ये उनके कुएं से पानी ले जाती महिलाएं यहाँ बनाया हुआ है, और जिन पेंटर्स ने बनाया है उनका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। और ये किस तरीके से जब उस वक्त उस दौर के राजा महाराजाओं की सवारी निकलती थी, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी छोटे तबके के व्यक्ति की छाया भी पड़ जाए तो ऐसा माना जाता था कि दूषित हो जाएगा राजा का जो रास्ता था, पेशवा का जो रास्ता था, इसलिए उन सबको वहाँ से हटा दिया जाता था। उसके अलावा ये जब सम्मानित किया गया ज्योतिबा फूले को उनके काम के लिए, उनकी लेखनी के लिए,
ज्योतिबा फुले के बारे में शायद ही लोग जानते हों कि वो उन्होंने जो कुछ किया समाज के लिए उसके साथ ही वो बड़े बेहतरीन लेखक थे। खुद सावित्रीबाई फुले कवित्री थी, जिनकी कविताएं आज भी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनके जजमेंट्स में निकल कर आते हैं। उनके उन कविताओं के पीछे का अर्थ इतना गहरा है। और ये ऐसी ही तस्वीरें हैं जहाँ वो समाज को समझा रहे हैं, समाज के लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें शिक्षा के दम पर अपने अधिकारों को जीतना है। शिक्षा ही एकमात्र वो कुंजी है जिसके ज़रिए वो अपनी सारी जो समानता के अधिकार हैं वो ले सकते हैं। और उनकी मदद करने में यहाँ कहीं ना कहीं उस दौर में ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके कुछ लोग थे जिनकी उन्हें काफ़ी मदद मिली थी। और ये तस्वीर है ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, जो यहाँ सबसे बड़ी तस्वीर है। और अपने चिरपरिचित अंदाज में वो बैठे हुए हैं, अक्सर आप उनकी ऐसी तस्वीर देखते होंगे। ये शादी की तस्वीर है, ये ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की शादी की तस्वीर है, जब महज 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले जो थी वो दुल्हन बनी थी और 12 साल के ज्योतिबा फुले रहे होंगे। घूम गया आपने? और ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब घर से विद्यालय तक का सफ़र तय करती थी ज्योति सावित्री बाई फुले, तो किस तरीके से जो समाज के सबसे ऊपरी स्तर पर बैठे हुए लोग थे वो उन्हें परेशान किया करते थे, उन्हें स्त्रियों को शिक्षित करने से रोकते थे। और तब बड़े ही अच्छे से, बड़े ही स्वभाव के साथ, बड़े ही अच्छे स्वभाव के साथ माता उनसे कहा करती थी कि आप लोग मुझे क्यों, आप मेरे पर कीचड़ डाल रहे हैं, मैं आपकी ही बहन बेटियों को पढ़ाने जा रही हूँ। और उस विद्यालय में ऐसा नहीं था कि सिर्फ छोटे तबके की स्त्रियाँ पढ़ सकती हैं, वहाँ ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण वर्ग था उनकी स्त्रियाँ भी जाती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और ये तस्वीर है जो दंपति है उनकी। ये ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले जो उपाधि दी गई है उनकी, और यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो गुरु मानते थे अपना उनको। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मृत्यु पत्र है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए वसीयत है, जो अपने हाथों से ज्योतिबा फुले ने अपनी मृत्यु के पहले लिखा था। और इसके आखिर में जो कुछ लिखा है वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। उस समाज में जहाँ ये माना जाता था कि अछूतों की छाया पड़ने से भी जो ऊंचा तबका है, जो ऊंचे तबके पर बैठे जो लोग हैं वो दूषित हो जाते हैं, उस समाज को उन्हीं के अंदाज़ में ज्योतिबा फुले ने जवाब दिया था। उन्होंने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शव पर किसी ब्राह्मण की, ऊँचे तबके में बैठे किसी की भी छाया तक मत पड़ने देना, क्योंकि उन्हें हमारे छाया पड़ने से अगर वो दूषित होते हैं तो मेरे शव पर भी उनकी छाया ना पड़े और ना ही उनके हाथों मेरा अंतिम संस्कार या कुछ करवाया जाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी वसीयत के लिए साफ तौर पे लिखा था कि जो भी, जैसे सत्यशोधक समाज उन्होंने शुरू किया था, उसके अलावा और कई ऐसी वो चलाते थे संस्था जिसके ज़रिए वो काम करते, जैसे बाल विवाह के लिए बच्चों के नाथालय जो उन्होंने बनवाए थे, उसके अलावा जो महिलाएँ थीं उन महिलाओं की शिक्षा के लिए जो स्कूल और बाकी चीज़ें उन्होंने की थी, उन सब का उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि किसी ऐसे लड़के को, किसी ऐसे युवा को दिया जाए जो कि सबसे ज़्यादा उसके काबिल हो, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उनके समाज में। तो ये उनकी विल थी और ये उनके घर का हिस्सा जहाँ से अभी हम निकले। और यहाँ जहाँ लोग माथा टेक रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि माथा टेकने के पीछे का कारण क्या है। ये माथा इसलिए टेक रहे हैं क्योंकि आज ये जो बच्ची आपके सामने खेल रही है, शिक्षित हो रही है, ये इनकी देन है, ये ज्योतिबा फुले की देन है, जिनकी वजह से ये बच्ची आज शिक्षा की ओर अग्रसर है, इसका विकास पूरी तरह से हो सकता है। ये समाधि है ज्योतिबा फुले की, जिसके ऊपर तुलसी की, एक तुलसी का पेड़ रखा हुआ है। और यहाँ लोग माथा टेकते हैं क्योंकि जीवित होते हुए कोई भगवान से कम नहीं थे ज्योतिबा फुले उनके लिए, और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, शायद कोई भगवान भी इतना नहीं कर सकता लोगों के लिए।